जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी हथियारों की ट्रेनिंग के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जा रहे हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा नगरोटा आर्मी कैंप हमले में गिरफ्तार आतंकियों ने किया है। पंजाब का वाघा बॉर्डर जम्मू कश्मीर के आतंकियों के लिए पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने का रास्ता बनता जा रहा है। 2016 के नगरोटा आर्मी कैंप आतंकी हमले में गिरफ्तार आतंकियों ने NIA को पूछताछ में बताया है कि आतंकियों को हुर्रियत नेताओं की सिफारिश पर पाकिस्तान से वीजा दिया जा रहा है। नगरोटा कैंप हमले में शामिल कई आतंकी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गए थे। आतंकियों के लिए पाकिस्तान से वीजा की सिफारिश एक बड़े हुर्रियत नेता ने की थी। आतंकियों को पाक अधिकृत कश्मीर में हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। कश्मीर लौटने के बाद उन्हें AK-47 और कतर से हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया गया। नगरोटा आर्मी कैंप हमले में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था जो इस वक्त जेल में है। इन्हीं की निशानदेही पर 3 और आतंकी गिरफ्तार किए गए थे।